ये 0 प्लस 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 प्लस 9 क्या होगा, 9, 0 प्लस 9 9, ठीक है। फिर आगे देखिए एडिशन, 3 प्लस 2, तो ये देखो कितने बलून्स है, 3, और ये कितने, 1 2 2 बलून्स, तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 बलून्स, कितने बलून्स हो गए, 5। फिर देखिए ये 3 बलून्स है उसके हाथ में, 1 2 एंड 3, और 0 है उसके हाथ में, तो कितने हो गए, 3 प्लस 0 3 बलून्स, कितने बलून्स, 3। ये देखो इसके पास कुछ भी बलून्स नहीं, और इसके पास 2 बलून्स है, और इसके पास टोटल कितने हुए, 2, कितने हुए, 2। इसके पास 4 बलून्स है, 1 2 3 4, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो टोटल 4। इसके पास कितने बलून्स है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। फिर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 है उसके पास, और इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बलून्स हुए, 7, ठीक है। ये आपको वर्कबुक में भी कंप्लीट करना है, और ये जो है 0 प्लस 2 3 प्लस 2 वो आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है, एडिशन करना है नोटबुक में लिख के। फिर ये देखिए एडिशन, ये कितने हैं, 1 2 एंड 3, और ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हुए, 7। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने लिखने हैं, 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 प्लस 4 8, कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं, 5 लेमन है, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 5 प्लस 2 कितने हो गए, 7, कितने हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हैं, 6, और यहाँ पे 1 2 3, तो टोटल मिला के कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, कितने हुए, 5 6 प्लस 3 कितने हुए, 9, ठीक है। फिर आगे देखिए एंड एंड मैच, एड एंड मैच, देखिए 3 प्लस 2 कितने हो गए, काउंट करना है, 5, कितने होते हैं, 5, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 1 2 3 4 5। फिर आगे देखिए 4 प्लस 2 काउंट करो, कितने हो गए, कितने हो गए, 6, तो देखो यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, जो टोटल आता है उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। फिर देखो 3 प्लस 4, तो कितने हो गए, कितने हो गए, 7, तो 7 कहाँ पे है, देखो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8 प्लस 0, तो कितने हो गए, 8, कितने होते हैं, 8, तो यहाँ पे ये रहा 8, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये तो 9 है, सॉरी, 8 प्लस 0 कितने हो गए, 8, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ इसके साथ मैच करना है। फिर 6 प्लस 3 9, तो ये देखो ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इसके साथ मैच करना। फिर 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3, तो ये रहा 3 प्लस 1 4। अब ये साइड ये आपको खुद से करना है, 3 प्लस 3 6, तो 6 कहाँ पे है, ये रहा 3 प्लस 2, एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, 0 प्लस 8, तो 8, तो ये रहा 6 प्लस 3 कितना होगा, 3 प्लस 6 9, कितना होता है, 9, तो इसके साथ ज्वाइन करना है। 5 प्लस 2 7, कितना होता है, 7, तो ये रहा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है। फिर आगे देखे ऐड, 7 प्लस 2 प्लस 7 कितने हो गए, 9, ये आपको पूरे नोटबुक में लिखना है, ठीक है, और इसमें भी कंप्लीट करना है और वर्कबुक में भी, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है, ये आपको नोटबुक में करना है। 3 प्लस 6 कितने हो गए, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, और यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे 9, ठीक है।